कि अब हम सरवटे बस स्टैंड से आगे बढ़ते हैं। आगे की यात्रा आपको इंदौर की दिखाते हैं, आप देखते रहिए। अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न कर रहे हैं गाड़ी को, पीछे चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ये सामने सरवटे बस स्टैंड आप देख पा रहे होंगे, देखिए अच्छा खासा सुबह से भीड़ होने लगी है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए पटेल ब्रिज के नीचे से निकलेंगे और फिर ये देखिए सामने कपड़ों का मार्केट है। कुछ जो भी राहगीर आते हैं वो यहाँ से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, जिन्हें अर्जेंट में कुछ चाहिए तो उन्हें कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन के पास का ये मार्केट है, पटेल ब्रिज का मार्केट इसे कहते हैं। ये देखिए रेलवे स्टेशन के पास भी काफ़ी साफ़ सफाई है, ऐसा इंदौर जैसा कोई शहर आपको शायद ही देखने को मिले। ये भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, आप देखेंगे। ये देखिए रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा हल्का सा दिखा दें। ये देखिए यहाँ का रेलवे स्टेशन है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप रेलवे स्टेशन यहाँ का कैसा है। ये देखिए यहाँ का रेलवे स्टेशन है, छोटी लाइन की तरफ का है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ का ट्रैफिक है काफ़ी शानदार, शांत वातावरण का शहर है जिसे मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। अब देखिए हम इस ब्रिज पर चढ़ेंगे, नहीं इस पर नहीं चढ़ेंगे, अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए और यहाँ से कुछ ख़रीदना है उसके लिए ये जगह ही उत्तम है। देखिए ये टाटा वाले भैया बहुत जल्दी में हैं, इन्होंने बीच में गाड़ी घुसा दी है। कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें अपनी बच्ची के लिए कुछ लेज़ वगैरह लेने हैं क्योंकि वो शी इज़ हंग्री। आई एम ट्राइंग टू परचेज सम चिप्स बट आई डिडंट सी हियर सो आई एम गोइंग अहेड। यहाँ पर आगरा वगैरह जाने के लिए बसेस भी मिलती हैं जो रात को चलती हैं, कुछ टूरिंग सर्विसेज भी हैं, कुछ छोटे छोटे होटल ढाबे टाइप भी हैं, ऑटो स्टैंड भी है यहाँ का ठीक ठाक। भोपाल के लिए यहाँ से टैक्सीज भी मिलती हैं। तो ये जो है आगे कॉरपोरेट हाउस है, राइट साइड में ऊंची बिल्डिंग कई फ्लोर्स में है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के बैंकिंग के ऑफिसेज हैं और देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी भी यहीं पास में है, जो इंदौर विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं। अभी हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये देखिए सिटी लिंक की बस खड़ी हुई है। ये बसेज जो हैं आगरा ग्वालियर दिल्ली के लिए यहाँ से चलती हैं, एसी नॉन एसी सभी कुछ है यहाँ पर। ये राइट में जो है कॉरपोरेट हाउस है जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे और रीगल सर्कल पर पहुँचेंगे। रीगल सर्कल को आप बिल्कुल जैसे दिल्ली का जंतर मंतर है ऐसे ही इंदौर का जंतर मंतर भी कह सकते हैं क्योंकि सारे धरना प्रदर्शन जो भी चीज़ें होती हैं वो यहीं की जाती हैं इंदौर में, ये इंदौर की मुख्य जगह है। अभी क्या है यहाँ पे मार्केट सारा बंद है, एक तो दिन संडे का है, दूसरे इंदौरी जो हैं जागरण में बहुत ही आलसी होते हैं, सुबह बहुत देर से उठते हैं, रात को देर तक काम करते हैं लेकिन सुबह बहुत देर से उठते हैं, इनका सवेरा ही 12 बजे होता है। तो अब देखिए आप अगेन रीगल सर्कल पर हम पहुंचने वाले हैं और यहां से हम राइट टर्न लेंगे। राइट क्या ये समझिए कि यू टर्न लेंगे या राइट लेके भी जा सकते हैं, चलिए राइट लेंगे, अब आप लोग कहते हैं तो राइट ही ले लेते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस को और मोटिवेट करिए कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ। ये देखो ट्रैफिक पुलिस वाले भैया भी खड़े हैं यहाँ, कोई सिग्नल जंप करे तो चालान काटें या 100 रुपये लेके छोड़ दें। अब देखिए रीगल सर्कल से मैं राइट हो लिया हूँ और मैं सीधा चल रहा हूँ एमजी रोड पर, अब टीआई के अपोजिट साइड से निकलूँगा और फिर इंद्रप्रस्थ टावर के अगले मतलब क्रॉसिंग से राइट टर्न लूँगा। ये देखिए आप देखिए इंदौर की रोड साफ़ सफाई देखिए, मैं
मैंने ये ख़ास तौर पे जो पांचवा पंच लगाया है उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे देश के बाकी शहरों के लोग भी जान सकें कि हाउ इज़ क्लीन इंदौर सिटी। देखिए सिग्नल आने वाला है, मैं वेट कर रहा हूँ ग्रीन सिग्नल का, हो चुका है लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं इन्हीं का वेट कर रहा हूँ, ये लोग आगे बढ़ें तो मैं भी बढ़ूँ। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ के लोग बड़े आलसी होते हैं, आराम तलब होते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं करते हैं, आराम से चलते हैं। सुबह उठने में भी बड़े आराम से उठते, इतमीनान, ये है असल में।